लो जी, कहता है सेल ऑफ अ प्रोडक्ट अमाउंटिंग टू रुपीज 4000 पर मंथ एट रुपीज 10 पर यूनिट। ठीक है सर। तो भाई साहब ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2009 में। तो ठीक है सर, सबसे पहले 2009 का ही पेपर होगा तो हमने इसका देख लिया। कहता है एक प्रोडक्ट की 4000 यूनिट्स की सेल हो रही है। ठीक है, तो सेल यूनिट्स में हमारे पास हर मंथ 4000 पर मंथ यूनिट्स हो जाती है सेल। ओके, कहते हैं एट रुपीज 10 पर, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? रुपीज 10। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, रेदर देन की आंसर निकालना है। फिक्स ओवरहेड्स है हमारे पास 8000, तो फिक्स कॉस्ट इसको साइड में लिख लेते हैं, कितने रुपए की हो चुका 8000। ठीक है सर। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, वेरिएबल कॉस्ट इज 6 पर यूनिट। लो जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 6। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहते हैं द मैन्युफैक्चरर प्रपोजेस टू रिड्यूस सेलिंग प्राइस बाय 10%। मैन्युफैक्चरर चाह रहा है कि सेलिंग प्राइस को कितना परसेंट कम कर दिया जाए, 10% को रिड्यूस करना चाहता है। तो ये इसका प्रपोजल, यानी कि हम जिस चीज को बना रहे हैं हम चाह रहे हैं इसका सेलिंग प्राइस कितने परसेंट कम कर दे, 10%। और कहते हैं कैलकुलेट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर पीवी रेशियो एंड फाइंड आउट हाउ मेनी यूनिट्स बी सोल्ड टू मेंटेन दिस सेम। देखो यहां पर दो बातें हैं, एक प्रेजेंट वाला सिनेरियो है और एक प्रपोजल, यानी कि न्यू। प्रेजेंट वाला जो भी चल रहा है और जो प्रपोजल है ये न्यू, फ्यूचर वाला ये सिनेरियो है। यानी कि जब हमने सेलिंग प्राइस को किससे कम कर दिया है, सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 10%। बोलो हाँ है ना जी। यानी कि सेलिंग प्राइस जो 10 था, इधर देखो सारे बच्चे, इधर देखो, सेलिंग प्राइस जो 10 था वो 10 से फ्यूचर में 10% कम कर दिया, यानी कि 10 का 10%। बोलो भाई जी। तो वो कह रहा है कि अगर क्वेश्चन समझो, जब कोई ज्यादा जरूरी नहीं है नोट वोट करना या कुछ भी। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि सेलिंग प्राइस अगर 10% रिड्यूस कर दे, तो यानी कि 10 का 10% ये होता है 9 रुपीज अगर सेलिंग प्राइस कर दे। तो क्वेश्चन दोबारा सुनो, हम ही मैन्युफैक्चरर है, ठीक है भाई साहब, ये हम ही, क्योंकि ये हमारी तो है वेरिएबल कॉस्ट आ रही है इतनी बनाने की, तो ये हम ही है। तो हम दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, हम हर महीने सेल करते हैं 4000 और एक यूनिट 10 की है। ठीक है, फिक्स ओवरहेड्स आता है 8, इसको साइड में रख दिया, फिक्स कॉस्ट तो अलग चीज है और हमें बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है, 6। मैन्युफैक्चरर यानी कि हम चाह रहे हैं क्या, प्रपोजेस टू रिड्यूस, वो चाहता है कि भैया हम सेलिंग प्राइस को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, कितने परसेंट, 10%, यानी कि 1 रुपए से। ठीक है भाई, अब आगे की कहानी तो बता, क्या पूछना चाह रहा है आगे। कह रहा है कैलकुलेट द प्रेजेंट, तो एक तो प्रेजेंट, प्रेजेंट में तो तुम्हें कोई सिद्धि है नहीं, अरे बोलो यार जी भैया सर, सब चीज पढ़ रखी है, अभी करते हैं डिस्कशन। एंड द फ्यूचर पीवी रेशियो, कहता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर पीवी रेशियो भी बताओ और फाइंड आउट हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट। तो पहले ऐसा करते हैं, प्रेजेंट में देख लेते हैं कि हम कुछ प्रॉफिट भी कमा रहे हैं या फिर नहीं कमा रहे। ठीक है भाई साहब, तो हम प्रेजेंट की डिस्कशन पहले कर लेते हैं, बताओ फटाफट। तो प्रेजेंट में सर अगर हम बात करते हैं तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बताओ, 10 - 6 4 रुपीज, हाँ है ना। और फिक्स को, और बताओ ब्रेक इवन पॉइंट से निकाल लेते हैं, या ब्रेक इवन से, या ब्रेक इवन पॉइंट जो भी कुछ है यूनिट्स में बोल निकाल लेते हैं। फटाफट बताओ, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट कितनी है 8000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 4, तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 2000 यूनिट्स। अरे बोलो यार, और हमारी एक्चुअल सेल्स कितनी है एट प्रेजेंट, फटाफट बताओ, 4000। तो सर हम तो सिंपल है, बताइए मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल निकाल, सर आप ये सब क्यों निकाल रहे हो प्लस, जिससे कि आपके और वर्ड्स भी रिवाइज हो जाए। तो व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। बोलो भाई जी सर, तो 4000 में से हम 2000 क्या कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा 2000। अब इस पे देखो सीधा, इस पे सारा का सारा कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बोलो, तो प्रेजेंट प्रॉफिट कितना होगा सर, आपने पीवी रेशियो को कहीं निकाला नहीं भाई, बिना पीवी रेशियो के भी काम चल सकता है, बाकी निकाल देंगे, क्या दिक्कत है बताओ। 2000 यूनिट्स की हमारी सेल हो रही है एमओएस। बोलो भाई, एमओएस अगर आप पर यूनिट ले रहे हो तो यहाँ पर भी पर यूनिट लेना पड़ेगा, इंटर में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 2000 यूनिट्स इनटू में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बताइए भाई साहब कितना का कंट्रीभ्यूशन है हमारे यूनिट का। तो भाई साहब प्रेजेंट में हमारा प्रॉफिट है 8000,
अगर इसी चीज को हम पीवी रेशियो के थ्रू निकालते, लो जी लो इधर देखो सारे बच्चे, एक मिनट में मार्कर में इंक डाल देता हूँ यार, आप इसको नोटिंग कर लो। देखो अगर हम इसी को, अभी खाली प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, फ्यूचर सिनेरियो कुछ नहीं आया, इधर देखो। तो अगर मैं पीवी रेशियो की बात करूं तो बताओ क्या पीवी रेशियो होगा, अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल पर यूनिट इनटू 100। बेटा ध्यान रखना, ऊपर पर यूनिट ले रहे हो तो नीचे भी पर यूनिट लेना पड़ेगा, बेस हमेशा सेम है, या तो टोटल लो, टोटल डिवाइड बाय टोटल सेल, तो भी काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो बताइए सारे बच्चे। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट इनटू 100, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 50 और सेल पर यूनिट कितने 10 इनटू 100। तो अभी पीवी रेशियो है 40%, ठीक है। अब मैं अगर चाहूं तो जो मेरा प्रॉफिट है मैं ऐसे भी तो निकाल सकता हूं डायरेक्ट। आपको मैंने क्या समझाया था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल पर सारा का सारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, डैश होता है। बताओ, सेंटेंस कंप्लीट करो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल पर सारा कंट्रीब्यूशन डैश होता है, प्रॉफिट होता है। बात आ रही है, समझ नहीं आ रही, इस पे थोड़ा सोचना पड़ता है, तो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप समझ में आ जाता है। बात सर पूरी सही कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पीवी रेशियो ले रहे हो तो रुपीज में लेनी पड़ेगी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल रुपीज में कितनी है आपकी, बताओ, 2000 यूनिट्स है और सेलिंग प्राइस कितना है, फटाफट बताओ, 10। तो 2000 गुणा में 10 20000 गुणा में 40%, तो भी कितना आ गया 8000। बोलो, तो पेपर में चाहे आप ऐसे कर लो और चाहे आप ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से अभी मैं प्रेजेंट में प्रॉफिट कमा रहा हूँ 8000 रुपए और मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 10, सेलिंग प्राइस कितना है 10। अब नया सिनेरियो पर काम कर लेंगे, वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस अगर 9 हो जाए, इधर समझो सेलिंग प्राइस क्या हो जाए 9 और प्रॉफिट मुझे इतना ही कमाना हो, तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट तो सेम रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन दे भी नहीं रहा, और दे भी नहीं रहा तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहती है, सेम। वो क्यों कम कर रहा है, मार्केट में कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा इसलिए चाह रहा है कि कम करके देख लेता हूँ। वो कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, 9 - 6 है, तो दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। बात आ रही है समझ, और वो कह रहा है अगर सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाना हो, क्वेश्चन पढ़ लो, कहता है पीवी रेशियो निकालो, फ्यूचर पीवी, तो सीधा बात कर लो यार, पीवी रेशियो क्वेश्चन में बोला ही है, तो पहले आप पीवी रेशियो निकाल दो, बताओ क्या होगा पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100, तो 3 डिवाइड बाय 9 इनटू 100 दैट इज 8 आ जाएगा, 33.33% लास्ट तक दे जाना। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही तो ये पीवी रेशियो उन्होंने बोला था, ये भी हम स्टार्टिंग में निकाल लेते तो ज्यादा सही रहता, बट कोई बात नहीं। कहता हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट, सेम प्रॉफिट, तो उसने बोला कि सेम प्रॉफिट मतलब प्रेजेंट का पता चले तभी तो हम पता लगा पाएंगे, तो क्या दिक्कत है, सिंपल। अब बताओ डिजायर्ड प्रॉफिट वाला कांसेप्ट आ गया नहीं आ गया, बोलो जी सर। तो यहां पर मैं चलो इधर लिख रहा हूं इसको, बी पार्ट का है, यूनिट्स टू बी सोल्ड टू मेंटेन सेम प्रॉफिट दैट इज 8000। यूनिट से बात करेंगे तो फिर पर यूनिट वाला लेना पड़ेगा, चलो सर यूनिट या सेल कुछ भी ले सकते हैं, तो सर पहले बताओ ना आप क्या करोगे, तो फिक्स कॉस्ट की तो रिकवरी करनी करनी है, अरे बोलो यार, प्लस में किस चीज की रिकवरी करनी है, डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय, अगर आप यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट करोगे, अगर यहाँ पर आप कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट करोगे तो किस में निकल कर आएगा, तो यूनिट्स में निकल कर आएगी, और यहाँ पीवी रेशियो रखोगे तो सीधा क्या निकल कर आएगा, वो लेवल ऑफ सेल जहां पर हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे 8000। बताओ किसमें कंफर्टेबल हो, पीवी रेशियो थोड़ा मुझे लगता है फॉर्मूला टाइप बन जाता है और यूनिट वाला थोड़ा लॉजिकली बन जाता है, बाकी यूनिट में निकाल के आप लास्ट में क्या कर सकते हो, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई, वो भी सेम है, जैसे तुम कहोगे वैसे करते जाओ, फटाफट बताओ, तो यूनिट वाला, यूनिट वाला कर दूं, चलो कोई बात नहीं, फिक्स कॉस्ट 8000, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 8000, ये सेम नहीं रहता, वो बस तुक्के से आ गया, नया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 3, तो 16000 डिवाइडेड बाय 3, फटाफट बताओ कैलकुलेटर से, 16000 डिवाइडेड बाय 3 5 12 33.33,
तो 5333.33 ठीक है, तो आप इसे अप्रोक्सीमेट बोल सकते हो 334 यूनिट्स है ये, ठीक है बोलो। और सेल्स इन वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू या रुपीज में, तो 5334 इनटू बताओ किससे करेंगे, मल्टीप्लाई लास्ट लास्ट तक जाने दो, 9 भी कर दोगे 48,000 रुपए के आगे, ठीक है प्यारे बच्चों बोलो यार। यस सर। तो ये भाई साहब मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, कौन सा क्वेश्चन करा दिया, 2009 ठीक है, एसएल में एक्सपेरिमेंट वगैरह में आया हुआ है, फटाफट कर लीजिए कॉपी।